आप कहाँ से आई हैं? हम लोग यहाँ पटना से आए हैं। कुछ पटना सिटी की हैं, गुलजारबाग की हैं, मनेर की हैं, दानापुर की हैं। हम लोग CMC हैं। हम लोग पोलियो में काम करते थे। हम लोग को SM नेट से ज्वाइन किया गया था। हम लोग पिछले 12 साल से ज्वाइन किए गए हैं, 12 साल से काम कर रहे हैं। जब 2007 से पोलियो में हम लोग का एक इस मतलब राजेंद्र ब्लॉक में 2000 रिफ्यूजल था, तो इस विषय पे हम लोग सारी CMC सारे रिफ्यूजल को खत्म किए हैं। जब एक एक घर में हम लोग को गाली बात सुनना पड़ता था, तो आज पोलियो मुक्त हुआ है सिर्फ CMC के कारण, क्योंकि CMC की कड़ी मेहनत। पोलियो के अलावा हम लोग टीकाकरण पे भी काम करते थे। टीकाकरण गर्भवती महिला नवजात शिशु का सारा टीकाकरण, संपूर्ण टीकाकरण, सारा चीज में सहयोग हम लोग CMC लोग दिए हैं। और आज अचानक हम लोगों को CMC लोग को अचानक मेल आ गया है कि 31 दिसंबर को आप लोग की जॉब खत्म हो गई, नौकरी खत्म हो गया, जबकि ये हम लोग को खबर दिया भी नहीं गया था। आज हम लोग को खबर मिला है अचानक मेल के माध्यम से, आपको सूचित किया गया। अचानक आज ही किया गया। तो आप लोग जिला आज एक घंटा पहले मिला है। अगर हम लोग किसी कंपनी को किसी इसको हम लोग अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं और अब वो लोग हम लोगों को हटा देगा, तो इतनी सारी औरतें कहाँ जाएंगी? उससे हम लोगों का घर चल रहा था, परिवार चल रहा था। हम लोग का जब क्या जो आय होता है, सैलरी होता है, बहुत कम था, 2700 रुपया ही मिलता था। लेकिन फिर भी हम लोग समाज सेवा के हिसाब से हम लोग काम करते थे कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन आज समाज सेवा के लिए इतना कुछ करके, इतना ट्रेनिंग मिल करके आज हम लोग को हटा दिया गया है बिल्कुल। तो आप लोग जिला अधिकारी से मिलने आए थे, आप जिला अधिकारी से मिल पाए? नहीं, DM साहब से नहीं मिल पाए। नहीं, हम लोग के पीछे से निकल गए, वो पीछे से निकल गए। पीछे से निकल गए तो किन से आप मिलिए? ADM साहब का बोले, ADM साहब तो लेटर लिए हैं और सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बोले नहीं, आप लोग का हक का लड़ाई है, बहुत ऊपर तक लड़िए, आप लोगों को कामयाबी मिलेगा। क्योंकि आप लोगों का 12 साल का जॉब है, कोई अचानक इतना जल्दी किसी को इतना दिन का जॉब हटा नहीं सकता है। ये है ही नहीं, कानूनी में नहीं है। तो आप यूनिसेफ ऑफिस भी गए, CM के पास भी गए, जाकर के वहाँ भी चिट्ठी दे करके आए हैं। CM साहब से मुलाकात करना चाहें, CM साहब से मुलाकात नहीं हुआ। तो बस यही है, CM साहब से हम लोग का अनुरोध है, बिहार सरकार से अनुरोध है कि इस तरह से हम लोगों को, स्वास्थ्य मंत्री से है कि इस तरह से हम लोगों को बेघर ना किया जाए। हम लोगों को इस कुछ ना कुछ काम में, टीकाकरण के काम में, अभी टीकाकरण बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है, बहुत सारा नया टीका आने वाला है, MMR का होने वाला है अभी जनवरी में। बस हम लोग को इस टीकाकरण से जोड़ दिया जाए और हम लोग को सरकारी नौकरी किया जाए, क्योंकि 12 साल से हम लोग एग्रीमेंट पे काम कर रहे हैं, वो भी इतना कम साल में, 2700 में आज के जमाने में कुछ नहीं होता। यदि आप DM साहब ADM साहब से मिली हैं, तो ADM साहब के आश्वासन के बाद आप क्या करना चाहती हैं? कल हम लोग DM साहब से मिलने आएंगे, उसके बाद हम लोग स्वास्थ्य मंत्री के पास जाएंगे। अभी हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे जब तक वो लोग हम लोग कामयाबी नहीं मिल जाए। जब तक हम लोग कामयाबी नहीं मिल जाता, हम लोग छोड़ेंगे, आप लोगों के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि एक दो नहीं है, हम लोग पूरा पटना से 102 है पटना में। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम रुबीना अफीम है, राजेंद्र नगर ब्लॉक से है। यूनिसेफ का आएगा, बड़ा जो भाग रहा है उसको भागने से लगा के आपको छापना है। क्या कहते हैं वो भी न्यूज ले लेना। वहाँ तो मिल के आए हैं, लेकिन यहाँ तो DM साहब से लेके नहीं हुआ। क्या बोले, क्या चुप रहिए ना जी, अभी